पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ का अधिवेशन रविवार को लोक निर्माण विभाग में आयोजित हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव का कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने माल्य अर्पण कर स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष अमरनाथ यादव, महामंत्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष विनोद कुमार राय, संगठन मंत्री रवि प्रकाश, संयुक्त मंत्री रामकरण एवं कृपा शंकर सिंह, संप्रेषक उमा शंकर और प्रचार मंत्री चंद्र प्रकाश सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। इस अवसर पर राजा राम दुबे, शिव कुमार यादव, जय गोविंद यादव, दिनेश सिंह, अजय सिंह सहित कर्मचारी संघ के सदस्य और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव, जिला महामंत्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा, महादेव सिंह जी, शिवमंदीकर्ता संघ के राजेश भाई, अखंड प्रताप सिंह जी, शेखर श्रीवास्तव जी, जो मंडल अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, और साथ ही साथ अन्य साथी जो उसी ने पागल इसलिए अध्यक्ष आता है 10 बजे, उसको तो पहुंचना है क्योंकि धरना 11 बजे से है। खुद दरी बिछाता है, खुद कुर्सी लगवाता है, जैसे अजीब सा पागल रहता है। पागल कहा जाता है भैया कि 10 बजे आके सारी व्यवस्था करना पड़ता है, कुर्सी भी उठाना पड़ता है। हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकल रूप में करते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन कर्मचारी न जाने क्या उसको हो गया, चाहिए सब कुछ, पेंशन नहीं मिला, लेकिन आपके संघर्षों के बदौलत, सबके संघर्षों के बदौलत इतना जरूर हुआ कि एनपीएस में सुधार कुछ ना कुछ हुआ। 4% का फायदा इस आंदोलन के बदौलत हुआ। एनपीएस की पासबुक ठीक हुआ, जो पैसे आपके डीएसआई में थे उस पैसे को प्राण में ट्रांसफर हुआ। ये सब पहले कुछ नहीं था, बहुत सा पैसा आपका भट्टा में चला गया था। प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय विजय शंकर यादव जी आपके बीच आपके इस अधिवेशन को सब जिला अध्यक्ष आदरणीय अमरनाथ यादव जी से कि हमारे इन पुरोधाओं का आदर, जब भी आप देखेंगे प्रदेश का नेता और भाई जय गोविंद यादव जी से, भाई राजेश कुमार श्रीवास्तव जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, मैं चाहूंगा कि चूंकि वो पैरलर है इसलिए मैं फिर भी गोरखपुर में गला है तो मेरे मेहमान है, मैं चाहूंगा कि वो भी हमारे प्रदेश नेतृत्व का माला पढ़कर स्वागत कर दे, का स्वागत करें। और साथ ही हमारे बीच में भंडार नायक भाई राजेश मिश्रा जी, आज हम लगभग लखनऊ से चले बाराबंकी और बस्ती, फिर उसके बाद गोरखपुर के भ्रमण पे, और गोरखपुर में पूर्व घोषित हमारा कार्यक्रम जो यहाँ के ज़िले का था चुनाव का, जिसपे हमारी छुट्टी भी घोषित हो चुकी थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता को देखते हुए हमने ज़्यादा कर्मचारी नहीं बुलाए और आज चुनाव हमारा संपन्न हो रहा है। कर्मचारी संगठन, क्योंकि 2 वर्ष समय हो रहा था पूरा, कर्मचारी नियमावली के तहत 2 वर्ष में चुनाव संपन्न कराना चाहिए, तो आज गोरखपुर में जिला शाखा पीडब्ल्यूडी नियमित और चार्ज कर्मचारी संघ का चुनाव है। आज हमारा पीडब्ल्यूडी नियमित और चार्ज कर्मचारी संघ जनपद शाखा गोरखपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसके चुनाव अधिकारी के रूप में प्रदेश के नियमित और चार्ज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव और राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय रामराज दुबे जी, जय गोविंद यादव जी, अखंड प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में जनपद का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से श्री अमरनाथ यादव, बृजेश कुमार श्रीवास्तव, अमरनाथ यादव को अध्यक्ष, बृजेश श्रीवास्तव को मंत्री, विनोद कुमार राय को उपाध्यक्ष, रवि प्रकाश को संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री के रूप में रामकरण जी, कृपा शंकर सिंह और कोषाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल जी, और संप्रेक्षक के रूप में उमा शंकर द्विवेदी जी, और प्रचार मंत्री के रूप में चंद्र प्रकाश को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। कर्मचारियों ने, सारे कर्मचारी मिलकर निर्विरोध निर्वाचन किए। हम हमेशा कर्मचारी हित में काम करते हैं और कर्मचारी की सेवा करते हैं, और इसलिए कर्मचारी हमको अपना प्रतिनिधित्व का मौका देता है, और साथ ही साथ इस बार मैं 10वीं बार निर्विरोध चुनाव जीता हूँ और आगे भी प्रयास करूंगा, कर्मचारी हित का काम करूँ और पुनः मैं निर्विरोध चुनाव जीत कर ही आऊँ।